एक्चुअली मैंने राइटिंग एनालिसिस का कोर्स 2013 में किया था, और उस समय ही लोगों के बारे में भी जाना था, लेकिन मैंने उस समय कोशिश किया लेकिन कोई मालूम नहीं पड़ा। उसके बाद मैं भी भूल गया फिर। और ये जब लॉकडाउन हुआ तब आपका भी मैंने देखा था ऑनलाइन का कोर्सेज, और फिर है ना मैं करने ही वाला था, लेकिन उसके बाद मेरा एक फ्रेंड बोला कि नहीं, मेरे को मालूम था कि आप मिलिंद राजौर से सीखे हुए, तो बोला नहीं तुम इससे करो, ये उनसे ही सीखे हुए। इसीलिए मैंने फिर मिलिंद राजौर का क्लास कर लिया, लेकिन मेरे को कुछ समझ उसमें आया नहीं। मैं बहुत कोशिश किया एनालिसिस ये सब करने का, लेकिन अल्टीमेटली मेरे को समझ नहीं आया। तो मैं सोचा कि आपका क्लास करूंगा ये साइंटिफिक एनालिसिस वाला वापस, और इन बिटवीन में आप ये अनाउंस कर दिया। तो फिर मैं सोच रहा था करूँ नहीं करूँ, बिकॉज कॉस्ट थोड़ा सा हाई था एनालिसिस का। फिर सोचा अब इतना बार कर चुका हूँ तो एक बार रिस्क लेना चाहिए कि ये कोर्स करना चाहिए, बिकॉज मेरा बहुत दिन से इंटरेस्ट था कि इसको करने के लिए कि इससे क्या होता है। मैंने बहुत कोर्सेज किया सर, मतलब मेरा लाइफ में मैंने अराउंड 100-150 वर्कशॉप किया, और बड़े बड़े वाह टीचर से किए, बहुत अच्छा। जैसे आपका विवेक बिंद्रा हुआ, आपका उज्ज्वल पाटनी हुआ, ये सब कोर्सेज के। मैंने एनएलपी का भी कोर्स किया आपका, इसका रिजल्ट। लेकिन मेरे को नहीं लगा था कि इस कोर्स से मेरे को बहुत ज्यादा मिलेगा। मैं सोचा था कि ठीक है एनालिसिस भी सीख जाऊंगा तो मेरे लिए बहुत है। मेरे को भी मतलब एनालिसिस तो मैं देख रहा हूँ कि पानी की तरह एनालिसिस हो रहा हाँ, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था ये सभी चीजें जो मैंने बोला था ना, कि जो भी है। मैं हाँ बोलूंगा वो आप कर पाओगे, नहीं, आप डिजाइन आप कर सर पाओगे। प्रॉमिस किए थे लेकिन मालूम नहीं, मतलब वहां से कुछ मिला नहीं। जैसे वो उन्होंने सिखाया बहुत था, लेकिन मालूम नहीं जब एनालिसिस करने गया तो एनालिसिस हो नहीं रहा। तो इसलिए मैं सोचा कि मालूम नहीं, हो सकता है मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा हो इसीलिए नहीं हो रहा। और पहले कल कल नोटिस जब आपका आवाज। वास्तु सिखाए तो समझ में आया कि अब तो लोगो बनाना भी बहुत इजी हो, खाली मेरे को शेप ही डिसाइड करना, में करें बाकी सब कॉन्सेप्ट तो लिखा हुआ है। आप विश्वास नहीं करेंगे सर, आप जितना क्लासेस कराया, मैं नेक्स्ट दिन जाके मेरे पास टाइम नहीं रहता। मेरा मतलब इतना फोन आता है पूरा दिन में कि मैं मेरे को फर्स्ट हाफ एकदम टाइम नहीं रहता कुछ करने का। फिर भी मैं हर दिन बैठ के जितना देख सका, हर दिन ऑनलाइन क्लासेस पूरा पूरा देखा हूँ आपका बैठ बैठ। मैंने मैंने देखा और वो कल आप जैसे कल जो सिखाया मेरे को समझ नहीं आया था, हाँ आपका लॉगिन मैं देख कल जो रहा आप था कि आप देख सिखाए रहे सर, हो। तो मैंने 3 घंटा आज बैठ बैठ के वो 1 घंटा का वीडियो, क्या बात है, बहुत हाँ, अच्छा। तो तीन आपका मैं वो वीडियो 3 घंटा तक देखा हूँ, वो 1 घंटा का, समझने के लिए कि वो एक्चुअली पूरा क्या है। क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत उसमें कंफ्यूजन था, मैं बार बार घुमा घुमा, फॉन्ट मैंने नहीं देखा, बात बका खाली वीडियो से। करेक्ट। तो मेरे को लगता है कि अब मैं इसमें दिमाग लगाऊंगा और कुछ बड़ा वे में करूंगा ये लोगों हंड्रेड का ये परसेंट मतलब है पूरा डिजाइनिंग, और आपको जान के क्योंकि यहाँ खुशी कैलकटा होगी। में तो कुछ भी नहीं है सर। कैलकटा में ना हैंडराइटिंग एनालिसिस का कोई कुछ करता उतना, और ना लोगों को तो कोई कुछ है ही नहीं यहाँ पे। सुधीर जी, आई मैंने टेल ऑलरेडी यू दो जन को जो मिलिंद से समथिंग किया अबाउट था उनको भी रेफर कर दिया है, विशाल के बारे तो में। शायद हो सकता है नेक्स्ट आप जब बैच करें।